बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। ताप्ती नदी के आधा दर्जन से अधिक घाट जलमग्न हो गए हैं। अब ऐसे रौद्र रूप को शांत करने के लिए 50 साल पुरानी मान्यता के अनुसार आज भी जिले के जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासियों द्वारा ताप्ती नदी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर साड़ी चढ़ाकर पानी कम हो इसकी प्रार्थना की गई। समाजसेवी माधुरी अतुल पटेल और क्षेत्र के हीरालाल बड़गुजर ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 50 साल पहले भुस्कुटे सरकार द्वारा ताप्ती नदी के अपना रौद्र रूप दिखाया था, तो उनके द्वारा पूजा अर्चना कर साड़ी चढ़ाई गई थी, जिससे ताप्ती नदी का जल कम हो गया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है। तो वहीं जिले के समाजसेवी अतुल पटेल और हीरालाल बलगुजर ने जानकारी देते हुए कहा कि 50 साल पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी ताप्ती नदी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर साड़ी चढ़ाई गई। ताप्ती नदी खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके लिए पूजा अर्चना कर प्रार्थना की गई। ताप्ती नदी खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बह रही है। ताप्ती नदी के आधा दर्जन घाट जलमग्न हो गए हैं, जिसमें राजघाट, सतियारा घाट, खातू घाट, पीपल घाट, नागझिरी घाट, खलखली घाट जलमग्न हुए हैं। अर्चना करने के लिए सोचे आपने, क्यों, क्या मान्यता है? ये बहुत पहले से भुस्कुटे के जो थे वो उनकी एक मान्यता है कि जब ताप्ती का जल स्तर बढ़ता है तो उनके तरफ से जो ताप्ती नदी मैया को एक अपने तरफ से उनको पूजा दी जाती है कि माँ ताप्ती माँ शांत हो जा। उसके बाद माता धीरे 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 अपना स्वरूप रुद्र जो स्वरूप रहता है वो शांत कर देती है और वो अपना यथावत स्थिति में रही है। इसके लिए ये पूजा की ये माँ सूर्य पुत्री माँ ताप्ती के किनारे बसा हमारा ब्रह्मपुर नगर, यहाँ पर बरसों से जीवन दायनी इस बुरहानपुर शहर को बहुत सारा रोजगार के साथ एक पेयजल उपलब्ध कराने वाली माँ ताप्ती की ये परंपरा है। जब भी कभी इसमें बहुत ज्यादा रुद्र रूप लेती है तो यह सौभाग्य है मेरा कि मैं पुराने पिछली बार भी दो बार महापौर रहा, कभी न कभी नदी में बाढ़ आई तब इस माँ ताप्ती से प्रार्थना की गई और उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार करते अपने आप को अपने पीछे लेते हुए वो ताप्ती उतरा, जन सामान्य को उसका लाभ दिया है। आज भी माता इससे हमें पूर्ण विश्वास है, विश्वास की माता ताप्ती हमारा सबका निवेदन या जन सामान्य की जो तकलीफें है जो उन सब तकलीफों को दूर करेगी और सुनकर अपने स्वरूप में अपने वापस जाएगी। सूर्य पुत्री ताप्ती के तट पर बसे उस नगर की ये बड़े प्राचीन काल से मान्यता है। सरदार भुस्कुटे के टाइम से तो सबको याद है, ये स्मरण में है कि अगर ताप्ती मैया का पानी ऊपर चढ़ता है तो वरिष्ठ व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, जनप्रतिनिधि यहाँ आके अगर ताप्ती मैया की मान करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उस पर पूजा पर नारियल अर्पित करते और उनको निवेदन करते, प्रार्थना करते, तो माँ ताप्ती अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखते हुए शनि शनि उतरना प्रारंभ करती है। और मेरा पूर्व में भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है और इसलिए आज हमारे महापौर जी माधुरी भाभी अतुल भाई, यहाँ के हमारे इस वार्ड के पार्षद राजा भाई, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं ताप्ती मैया से प्रार्थना करने, पूजन कर अर्चना करने। और मेरा विश्वास है कि इस पूजन के साथ साथ ताप्ती मैया कृपा करेंगी और धीरे धीरे उनका पानी उतरना प्रारंभ होगा और कोई बड़ी जान माल की हानि नहीं होगी, ऐसा मेरा पूरा पूरा विश्वास है।